हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो पार्ट्स हैं, जिस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें दो पार्ट्स थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो क्या है हमें, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि आप हमें बताइए कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है, यानी सारे जो है इंटीरियर एंगल सेम रहेंगे इसमें, तो वो कौन सा जो है पॉसिबल है, ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा, यानी हमें डिग्रीज़ में बोलना है कौन सा जो है पॉसिबल है और रह सकता है इसमें। और यहाँ पर जो है हमें कह रहे हैं वाई, यानी इसका हमें जो है रीज़न भी देना होगा, जो हम कह रहे हैं आंसर उसका हमें रीज़न भी देना होगा। तो यहाँ पर हम जो है, अगर हम जो है ट्राइंगल लेंगे, इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल जो है एक पॉलीगन होता है जिसके तीन साइड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल जो है फर्स्ट पॉलीगन होता है, ठीक है, इसका हर कोई साइड जो है वो सॉरी एंगल जो होता है वो जो है 60 डिग्री का होता है, ठीक है, 60 डिग्री जो है हर कोई होता है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसी के ज़रिए से जो है यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम ये जो है रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो होगा वो जो है 60 डिग्री होगा, ठीक है, यही हमें जो है इसमें सॉल्यूशन लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर जो है द इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड हैव या हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो है क्या गया हमें 60 डिग्री। तो इसका ये जो है मतलब यहाँ पर है कि जब भी यानी अगर हम जो है कोई इक्वल यानी रेगुलर पॉलीगन लेंगे, ठीक है, मिनिमम जो है एंगल इंटीरियर बन रहा है उसमें वो जो है आपको 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, उसके ये नीचे जो है कोई भी नहीं बन सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना बनेगा, तो यहाँ पर हमने जो है अभी ये जो है हमने लिया था इक्विलेटरल, ठीक है, अंदर वाला जो है हमें कितना आ गया इसमें 60, तो आउटर जो है वो हमें अगर निकालेंगे, हम क्या करेंगे उसको निकालने के लिए, यहाँ पर जो है 180 माइनस 60, ठीक है, यानी अगर हमें एक्सटीरियर निकालना होगा तो यहाँ पर हमें आएगा 120। तो मैक्सिमम जो है ये जो है एक्सटीरियर एंगल वो क्या रहेगा 120। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल of an equilateral triangle can be कितना 120 डिग्री। मैक्सिमम जो है क्या रहेगा हमें एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का 120, और मिनिमम जो है एंगल रहेगा 60, यही हमें जो है इसमें बोलना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।